दोस्तों इस तरह का फोटो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट का मेरा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ओपन करने के बाद आपको एक मॉडल ले लेना है जो आपका एडिटिंग करना चाहते हैं, फ़ोटो इस तरह का बनाना चाहते हैं। मैं अपना खुद का फ़ोटो ले लेता हूँ या फिर दूसरे का कोई भी मॉडल ले लीजिए। उसके बाद उसको ओपन कर लीजिए पिक्सआर्ट में। ओपन करने के बाद आपको चॉइस कर लेना है कौन सा फ़ोटो लेना है बढ़िया तरह से। उसके बाद आपको एक कैंची का दिख रहा है आइकन काट का, उसमें से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उसके बढ़िया तरह से आपको इस तरह का दिखेगा, देख लीजिए इस तरह का दिखेगा, कैंची का ऑप्शन दिखेगा, उसमें से आपको इसी बारीकी से एक तो अपना हिसाब से मॉडल के ऊपर जैसे पेंट चला लेना है। पेंट चलाने के बाद आपका मॉडल इस तरह से लाल घेरा आ जाएगा जो लाल रंग का आ रहा है। उसे आप आई का बटन में क्लिक करके देख सकते हैं मॉडल का कहाँ सा कौन सा काटिंग हुआ है कौन सा नहीं। उसके बाद बढ़िया तरह से उसको फिट कर लीजिए। फिट करने के बाद आपका मॉडल का जो है वो फोटो बैकग्राउंड का जो है इरेज हो जाएगा। इरेज होने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इरेज हो जाएगा, ऐसे ही बढ़िया तरह से देख लेना है। उसका इरेज का भी ऑप्शन आ रहा है और पेन का भी देख रहा है। पेन का ऑप्शन में जो है आप मॉडल के ऊपर रिसिप चलाने से आपका मॉडल कट होगा। उसके बाद आपको ड्रॉ में क्लिक करना है। ड्रॉ में क्लिक करने के बाद आपको उससे एक तो और लेयर लेना है, इम्पैक्ट लेयर आ रहा है उसमें लेयर ले लेना है। उसके बाद आपका स्प्लिट का बहुत सारा मैंने PNG लिंक में दे रखा है, उसमें से आप ले लीजिए। और नीचे का जो है बैकग्राउंड वाइट ले लीजिए। उसके बाद इम्पैक्ट लेयर में जाइए, उसको मॉडल को आप क्रॉप कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके अनुसार छोटा बड़ा को कर लीजिए। उसके बाद एम्प्टी लेयर में जो है उसमें क्लिक करिए। उसे क्लिक करने के बाद आपका नीचे की तरफ से ले आइए, एक ठो लेयर है उसको नीचे की तरफ लाना है। उसके बाद जो फोटो लेयर दिख रहा है उसमें फोटो लेयर में क्लिक करके आपका जो स्प्लैशर का PNG है उसमें ले लेना है। इसी तरह आपको बहुत सारा PNG ले लेना है जो जिसका लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाकी का है मैं जिसको स्टॉप कर देता हूँ और फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। जो स्प्लैटर का इंक है उसमें बहुत सारा ले लेना है। उसके बाद एक एक करके साइज कर लेना है मॉडल के चारों साइड में ले लेना है। चारों साइड को लेने के बाद आपको सबको मार्च कर लेना है। जो स्प्लैटर का लेयर है उसको मार्च कर लीजिए, एक ही जगह कर लीजिए। लेयर को मार्च करने के बाद आपका जो उसमें क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नीचे का जो आ रहा है एक्सोर कर देना है, उसको XOR कर देना है। उसको सर्च करने के बाद आपको और एक इम्पैक्ट लेयर ले लेना है। इम्पैक्ट लेयर लेने के बाद उसको नीचे की तरफ ले जाना है। उसके बाद आपका जो मॉडल का कलर है जैसे टी शर्ट का कलर हो गया या फिर उस कलर हो गया, उसमें कलर में क्लिक करके चारों तरफ उसी के अनुसार मॉडल के अनुसार कलर कर लेना है। कलर करने के लिए आपको इस साइड में दिख रहा है लेफ्ट साइड के नीचे में, उसके बाद मॉडल के ऊपर में जो कलर है वो कलर ले लेना है और चारों तरफ इसे कलर कर देना है। कलर कर देने के बाद जैसे मॉडल येलो कलर हो रहा है और हैंड का कलर अलग अलग कलर ले रहा है ना, उसी तरह हिसाब से कलर कर दीजिएगा। कलर करने के बाद आपको और एक लेयर लेना पड़ेगा जो कि मैं इसको पार कर देता हूँ थोड़ा, और बाकी का जो हिस्सा है आप खुद कर लीजिए। पूरा स्टेप बाय स्टेप कर लेना है, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो मॉडल का जो मॉडल है वो बहुत ही भद्दा दिखेगा। आपको चारों तरफ से ऐसे कलर कर लेना है, येलो कलर ब्लैक कलर।
आपका जो मॉडल का, और एक इम्पीटर लेयर लेना है और एक स्प्लिट लेना है। स्प्लिट ऐसे पीएनजी है, मेरा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें में मिल जाएगा जो जो यूज किया हूँ मैंने। उसके बाद आपको ये जो लाना है वो मॉडल के ऊपर लाना है। मॉडल के ऊपर लेने के बाद आपको वही एग्जोर वाला ऑप्शन लाना है, जो आपका ऐसे घुमा फिरा के देख लेना है कहाँ कौन सा जगह में सेट हो रहा है मॉडल के ऊपर साइड में, नीचे साइड में सेट कर लेना है। इसे सेट करने के बाद आपका नीचे का जो ये एक्सर्ट कर देना है, उसको एक्सर्ट करने के बाद आपको कर देना है मार्च। मार्च करने के बाद मार्च कर दीजिएगा, उसके बाद नीचे की तरफ ले आएगा मॉडल को और उसको मार्च कर देना है। और मार्च करने के बाद आपका जो मॉडल के नीचे उस कलर को, टी शर्ट का जो कलर है इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ जो एक्सर्ट का जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है उसमें कलर कर देना है इसे। इस तरह से कलर कर देना है जो मॉडल का जो टी शर्ट का कलर है उसे कर देना है, तो आपका जो मॉडल है बहुत ही बढ़िया एडिटिंग हो जाएगा। आप इस एडिटिंग को कहीं भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस या भी कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एडिटिंग होगा। आप और की बढ़िया तरह से कर सकते हैं, मैं तो जल्दी जल्दी में कर दिया हूँ इसीलिए थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है। आप धीरे से करिएगा और आप खुद का दिमाग से लगा कर करिएगा तो बहुत ही बढ़िया से होगा। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि एडिटिंग कैसा लगा। आप बहुत तरह का कलर ले सकते हैं, येलो पिंक बहुत तरह का कलर है। आप मॉडल के ऊपर में जो स्प्लैटर है उसमें चारों तरफ ले सकते हैं ताकि और भी बेहतरीन लगे। तो ऐसा कर तो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।